सारा मेरे तरफ राम राम सा सबूब तड़का यूट्यूब चैनल पर सारंग स्वागत है। तो आज मैं थाने बताने लाग रही हूँ मैं जो कि कंपनी में जुड़े रही हूँ दवाइयाँ बिंग सामान के बारे में। तो कई लोग अब नए नए आन लाग रहे हैं जिसका पूछने लाग रहे भी ई कंपनी में के सामान है और के चीज़ पर असर करे। तो देखो पहला तो दिखाऊँ मैं थाने शैम्पू, तो वो शैम्पू है, वो देखो वो शैम्पू है, इंग नाम है डेंडर फ्री अध किले को शैम्पू है। इंग सागे वो है बायो एक्टिव तेल, वो देखो और पैकिंग थान थोड़ी छोटी लग है, साल दो तीन महीने क्योंकि तेल में चिकनाहट बहुत ज़्यादा है और नौ प्रकार के तेल वो बनेड़ है और बिना केमिकल की है सारी चीज़ा। जगह लोगों ने मैं चीज़ दी हूँ तो भाई दो दो तीन तीन महीना लेने लग रहे, रिजल्ट बड़ा अच्छा है। सारा जनाइया बोलने लग रही है भी भाई अंगो असर बहुत हो यार, बाल कि अंग बदलना रुक गया तो बदल लग गया और खोरो कुछ खाज खुजड़ी कुछ भी सिर में ही तो सही होगी। बिंग बाद में आ नीम की साबुन जका छोटी छोटी फुनशियाँ कुछ होती हुए शरीर के ऊपर खा जाती हुए तो आ बिल्कुल ठीक कर दिया आए नीम की साबुन। और इंग माँ इसे रंगी साबुन आवे थे मैं दिखाऊँ इसे रंगी साबुन इंग पूरी पैकिंग बंद आवे। और वो है वो फेसियल फोम जका कई लोग मांगन लग रहे नी, तो वो फेसियल फोम है जो को अपने चेहरे गया जकी चामड़ी है नी आ थोड़ी टाइट कर दिया यहीं पर ग्लो ले गया वे, तो वो है फेसियल फोम तो बड़ो अच्छा है रिजल्ट भी। और वो है गेनो पेस्ट जका मसूड़ा सूज गया पीक पड़ गई और जाड़ दुख है छोटे छोटे बच्चों के लिए, जका छोटा बच्चा आप आम खास घरे पेस्ट हुए नी तो भी केमिकल बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए हानिकारक भी है और लगातार करना हूँ जाड़ दाँत के जड़ा भी कमज़ोर हो जाए। तो आ करके देख लियो ये मेरे भी मैं फ़र्क की तो का लागे थाने थाना आप ही ऑटोमेटिक ही ध्यान पर जिसी भी मैं आप करा भी पेस्ट दिन गई कोलगेट करा तो शाम ने महसूस होने लग जाए दोबारा करा इन थे करके देख लियो दूसरे दिन तक थाने महसूस उसी भी करी पड़ी है इतो फर्क है इतो भी इन रिजल्ट है। और जका गए बड़े ज़्यादा रस्सियों बरेड़ी फुन सीर चेहरे पर आने लग रही बिंगली तो वो है चारकोल को फेस वॉश भी लड़का और लड़कियाँ कोई भी लगा उसको वो है नॉर्मली जो फुनसी हो जाए तो नीम को फेस वॉश वो भी थे यूज कर सको। और ए नीम की गोलियाँ जकियाँ गए मुँह पर बहुत ही ज़्यादा छियाँ पड़ गई नी बी खातर एक तो वुमेन पावर और बिंग साग है नीम की गोली और नाइट क्रीम कई तो डे भी मंगावा साग है कई जना नाइट नाइट लेने चाहे तो शाम ने चेहरों अच्छी तरह साफ करके नाइट क्रीम यूज कर दियो। और बाकी सामान मेरे आयो पड़े हुए तो ध्यान जिस बाकी सामान की मैं थाने कल वीडियो बना के दे देश हूँ। एक ही ग्लो क्रीम भी और आ गई है नाइट क्रीम की जगह जो आप डे क्रीम लगावानी बिंग जगह ग्लो क्रीम भी आ गई है। अगर कि नहीं ग्लो क्रीम चाहिए रेट शायद 100 ही उसी दोनों में आए बाद में ध्यान पड़ सी मैंने भी की रेट लगाया था तो बाद में मैं थाने रेट बता देश हूँ। और बाकी जो कि चीज़ को थे पूछो भी अंग के प्राइस है तो शैम्पू तो है 270 को, तेल की बोतल है जबकि 100 रुपये की, नीम की साबुन है जबकि 50 रुपये की, गेनो पेस्ट है जबकि 140 रुपये की, नीम को फेस वॉश है 130 रुपये को, चारकोल को फेस वॉश है जो 160 रुपये को है, नीम की गोलियाँ 200 रुपये की है, डे क्रीम भी 150 की है, नाइट क्रीम भी 150 की है तो दोनों 300 की होगी। और फेसियल फोम है वो है 550 को। तो और बाकी जो कोई और हाँ वुमेन पावर है वह 300 रुपये की है और कई अलग हूँ चीज़ नहीं मैं मंगा छूँ तो थान दिखा दे छूँ मांगा भी मैं रेट थान बता दे छूँ भी किसी चीज़ का के रेट है पर मान के चलो भी अह चीज़ केमिकल की कौन ही और फ़ायदा भी बहुत है और रिजल्ट बड़ा अच्छा है जका यूज करियो मन तो ध्यान है वह मैं बाद भी मैंने दोबारा फ़ोन करके बतावे भी है भी आ चीज़ बहुत अच्छी निकली है फ़ायदा भी मान हुआ है आ चीज़ अच्छी है। तो आम खास तो देखो अपन ये चीज़ा लैनी हुए पेस्ट होगी शैम्पू हो गयो तेल हो गयो जका फेस वॉश हो किसी भी किसी कंपनी के लियाओ लियाओ ही हो फेस वॉश चेहरों तक धोन भी तो एक बढ़िया वो यूज़ करके देखो तो इंगो बहुत अच्छो भी रिजल्ट है। एक चीज़ मैं थानू और बताना चाहूँ अगर खाजू वाला और रावला गए 365 खानू वाली इंग बार बार जका लोग हो तो भी मेरे ताई सामान मंगाने की लोड ही कौनी क्योंकि 365 एड पर कन्हैया भाई जी की शॉप है तो भी शॉप पर उठे जागे वो सामान ले इसको जका खाजू वाला बार बार का नेड़े कौन तो बठू नेड़ू थे सामान ले इसको। और बाकी थे जे कन्हैया भाई जी की दुकान ना जानो तो मैं थाने बता देशू और भैया तो बस स्टैंड का ऊपर ही है बंग शॉप है बस स्टैंड के ऊपर ही है जटे खाजू वाला जाने वाले बस लागे बिंग सारे शॉप है तो थे ले लियो। और बाकी मेरे नंबर तो अगर व्हाट्सअप मैसेज कर देशो तो मैं थाने मंग दुकान भी बता देशू
और ज़्यादातर लोग आजकल 2-3 दिन हो गया फ़ोन बहुत ज़्यादा करे तो थे व्हाट्सअप मैसेज करके छोड़ दे करो, मैं रिप्लाई दे दे शूँ पढ़ भी ले शूँ, इतना जना फोन थोड़ा उठाई से कौनी। और भी मैं कई जनाइया भी हो जाए कि मैं तो सिंपल बात करन भी फ़ोन करो तो सिंपल बात करन भी तो फिर मन टाइम कौन ही हुए, क्योंकि सिंपल सिंपल बात करूँ तो बीच में पापड़ा दवाइयाँ वाला भी रह जाए। तो वह बोला दीदी मंग सागा मैं पी सी जाऊँ, कई जना किसी भी कॉमेंट सीख रहे हैं कि मंग सके मैं भी पी सी जाऊँ बन तो बात करनी है मेरे जाऊँ ही है क्योंकि मन दवाइयाँ मंगानी हुए तो थे नहीं, जो भी बात करनी है जो भी कुछ करना है ना व्हाट्सएप पर मैसेज कर देगा भी बात को मैं थानी रिप्लाई जरूर दे सूँ। तो आज की वीडियो में थान सारी चीज मैं समान सारू कुछ बता दूँ, रात वाली आंधी किया रही थी मन बताई बड़ो बुरो हाल हो मारा तो इतनी आई सारे यही मारे के आई बहुत जी आंधी आई फिर मैं भी आ गई। पर पहला ही है मैं पहला मैं आज फिर आंधी आवे तो रेतो तो ना उड़े, पर पहले तो अच्छी तरह सूना बूर जे फिर उपरू मैं आज भी छंटो गाल ने बिल्यो तो भाई बुरा हाल आ दिन तो सारा लोग जब कह देख जो कोई कह मैं इतना पटर रेतो काढ़ो मैं इतना पटर रेतो काढ़ो तो हालत सारा खराब हो रही आंधी कारण सारे कह खा गई आंधी तो रब कर तो आई बहुत आंधी बहुत आंधी है आंधी आई भी तो मैं आई भी आंधी आ गई मैं आ गई आंधी आ गई मैं आ गई 2 दिन ही कौंटी पहला रहे 2 दिन हम तो गर्मी बहुत ही भी गर्मी हो गया बीमार भाई सारा आप को ध्यान रखियो गर्मी को भी आंती गर्मी है और छोटा बच्चा को तो खास करके रखियो क्योंकि बूढ़ा वह टाबर टाबर सोए भी कौन दिन में तो जगह बूढ़ा बडेरा सियाणा है तो बूढ़ा पर चागे कन्ने बिठा गए और कुछ कोई कहानियाँ टाइप के कागे टाबर ने सुनाइयो क्योंकि नहीं तावड़े में फिर के बुझेगा बीमार क्योंकि गर्मी 2 दिन में जान सी नहीं पड़ी इतनी बुरो हाल हो जगह माँ पंखा कूलर करी से बैठा तो भी जी घबराओ इतनी गर्मी। तो सारा मेरी तरफ राम राम, कमेंट शेयर लाइक जरूर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, इं सागो बनाई रखियो, सारा राम राम।